6 नंबर वार्ड के जो भी पार्षद हैं उससे बढ़िया कोई नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने डोर टू डोर जाके व्यवस्था किया था। हाँ, लगभग तो सारा सुविधाएं मिल रही हैं, सिर्फ स्वास्थ्य छोड़ करके। क्या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य संबंधी हमारा पूरा बिहार बहुत पिछड़ा है। अभी डेंगू फैला तो कहाँ जाइएगा, तो गोरखपुर जाइएगा। आपको बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। आपको डेंगू पर ही थोड़ा लापरवाही है। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं पहले से रखा जाता है। डेंगू का प्रकोप है पूरे मीरगंज में, उत्तर मोहल्ला नहीं, पूरे वार्ड में ही, जितने कुल वार्ड है सारे वार्ड में जितने भी फैमिली है सब गोरखपुर में जाके परेशान है। इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 6 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। क्या व्यवस्था है? तो पहले से व्यवस्था था, पहले से। हाँ, तब क्या, नाली कौन बनाया है? वार्ड पार्षद थोड़ी बनाया है। कौन बनाया? अरे भाई, तो विधायक कोटा का है, वो तो बना हुआ है। नहीं नहीं, उनको नहीं बनना चाहिए। ना ना, उनसे हम लोग संतुष्ट है नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वजह है कि हम लोग का कोई काम ही नहीं होता है। अभी तो देखिए वार्ड कम था, अब तो बहुत ज़्यादा वार्ड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है उसकी संख्या। और बदलाव तो होना चाहिए समय के साथ, और बदलाव होगा भी। प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रणव गुप्ता, आप देख रहे हैं BSRS न्यूज मीरगंज। अभी वर्तमान में हम लोग खड़े हैं वार्ड संख्या 6, जो कि अभी नए परिसीमन में वार्ड संख्या 16 हो चुका है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि यहाँ जो वार्ड संख्या 6 है, जिसके वार्ड पार्षद सतेंद्र कुमार रहे हैं, उन्होंने कितना कार्य किया है अपने वार्ड में, विकास की जो कार्य हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ के लोगों को मिली है कि नहीं मिली, यहाँ के स्थानीय निवासी समेत यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम इस बारे में जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार। रमेश कुमार, यहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं जी, उनका कैसा रहा है कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा है, सराहनीय कार्य रहा है उनका। जो मूलभूत सुविधाएं हैं कैसी, जो सड़क, देखिए जो उनके हक और उनके दायरे में है उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर परिषद नगर पंचायत के अंतर्गत आता है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है, और आगे भी हम लोगों को उम्मीद है कि उससे वो बढ़िया काम करेंगे। जो नाली की व्यवस्था है, कहीं भी कभी इनसे शिकायत कोई रही हो? ना 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 ना, किसी की शिकायत नहीं रही है। कभी गए हैं आप? बिल्कुल, हम लोगों का तो मान लीजिए दिन भर उसी वार्ड में रहना है। एक और चीज़ है कि जो युवा लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए? कहीं नहीं आना चाहिए। राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर पूछ कैसे रहेगा? राजनीति में आना ही तो पूछ है। अच्छा, एक जातिगत राजनीति होती है जी, क्या विचार है आपको? ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं। जातिगत राजनीति सिर्फ देखिए, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके नगर के युवाओं को सोचना पड़ेगा, नगर की विधि व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि भाई हमारे वार्ड हमारे नगर में कौन व्यक्ति है जो इस कार्य को आगे ले जाता है, हमको तो उससे मतलब है। इसके साथ ही मतलब नगर में और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अब तो नगर परिषद के ऊपर है कि भाई नगर परिषद नगर में क्या क्या कर सकता है। मतलब आपके विचार से एक निवासी है आप... देखिए, हम लोगों के नगर में एक तो मान लीजिए कि शिक्षा, उसके बाद सड़क, उसके बाद बिजली पानी, उसके बाद स्वास्थ्य, यही ना मूलभूत सुविधा है। कई लोगों का कहना है कि हमारे नगर परिषद में जो भी शौचालय की पूरी व्यवस्था नहीं है जी, जो महिलाओं को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या कहना? देखिए, इस पर तो मान लीजिए ये तो नगर परिषद के अधीनस्थ आता है कि भाई उसमें पहले जगह की व्यवस्था होगी, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद ही ये सुविधाएं हो सकती हैं। तो भाई सरकार के पास जहां जगह होगी वहीं तो व्यवस्था मतलब कर पाएगा। मतलब आप ये बात सही है कि मतलब शौचालय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी इसके साथ ही चेयरमैन का भी चुनाव होने वाला है। जी जी, चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा है? उनका भी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। अभिता कुमारी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कभी मुलाकात हुई है? बहुत बार हुआ है। इस बार आगामी चुनाव में क्या विचार रहेगा आपको? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता तय, भाई जिसने काम किया है भाई उसकी तो पूजा होगी। मतलब आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। डेंगू का महामारी चल रहा है, आज जानते हुए यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो भी सदस्य हैं, वार्ड कमिश्नर है, वो पहले से क्यों नहीं एक्टिव होते? जब डेंगू का महामारी होता है तब क्यों एक्टिव होते हैं? डेंगू के बाद एक्टिव होते हैं, पहले से क्यों नहीं एक्टिव? अभी कोरोना काल में कैसा रहा है इनका व्यवहार? कोरोना काल में तो ठीक रहा, लेकिन आप वो तो जानते हैं कि हर साल डेंगू का प्रभाव अपने मीरगंज क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है, तो उस पर वो एक्टिव पहले 4 महीना पहले क्यों नहीं होते हैं? जब पेशेंट 100 निकल जाते उसके बाद क्यों एक्टिव होते हैं? मतलब आपके कहने मतलब कि डेंगू के टाइम में बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, अभी जब पेशेंट निकलने के बाद आपके जो वार्ड पार्षद चेयरमैन ये जो भी लोग हैं ये लोग बाद में एक्टिव होते जाएंगे, एक्टिव होते हैं। तो अभी जो फिर चुनाव आने वाला है तो फिर उसके हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं, इनको फिर से क्या क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए, जो आगामी लोग खड़े हैं या फिर जो वार्ड पार्षद हैं उनके विचार में क्या विचार है आपका? जो अच्छे होंगे उनको वोट दिया जाएगा। जो अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वार्ड पार्षद हैं कैसा है?
ठीक है लोग काम करते हैं। आपके वार्ड में नाली की व्यवस्था है? ना, नाली तो मेरे वार्ड की बहुत अच्छी है। सड़क अभी तक टूटा वूटा नहीं है, एकदम बढ़िया सड़क है। सड़क भी ठीक है, लेकिन ये चीज बेकार है। देखिए ये लोग नाला जो बनाते हैं उसके बाद ये जो छोड़ देते हैं ये चीज दिक्कत है। यहाँ पे क्या करते हैं उसके बाद से दुकानदार माटी भर करके इसको हाइट कर देते हैं, ठीक, इसको वो सोलिंग करा देंगे तो पानी जो है नाला में चला जाएगा। ये क्या करते सारा अपना 10 फीट का टेंडर पास कराते हैं। हमारे कहने का मतलब जो पास कराना है तुम ऑलरेडी पूरा पास कराओ, क्योंकि वो पानी जो है अंदर जाए, नाला के अंदर जाए, रोड पे नाला पानी नहीं रहेगा। अभी युवाओं को राजनीति, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति माना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए, युवाओं तो देश के भविष्य है, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। फिर से चेयरमैन का भी चुनाव होगा इसके साथ ही, वार्ड के साथ ही चेयरमैन का भी चुनाव, उस पर क्या मत रहेगा? जो अच्छे होंगे उनको देखा जाएगा, वार्ड पार्षद और चेयरमैन दोनों जो लोग अच्छे होंगे। अरे तो वार्ड पार्षद क्या, सभापति है, उपसभापति अच्छे और ये वार्ड का है, तीनों को तो देखना है ना, तीनों को देखेंगे आप लोगों जो अच्छा होगा अपने चुनाव करेंगे, अपने मत को आप लोग देखेंगे, सबको जो अच्छा होगा उनको देखेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी मिथिलेश कुमार सोनी। मिथिलेश कुमार सोनी, ये बताइए कि आपके वार्ड में जो नाली की व्यवस्था है कैसी है? नाली की व्यवस्था तो बढ़िया है, पानी आता जाता नहीं, कभी जाम नहीं लगता, ना जाम नहीं लगता, निकासी कोई दिक्कत नहीं हुई? ना निकासी। कभी आपके पास वार्ड पार्षद आते हैं? हाँ वो तो हमेशा आते हैं, वो तो हमारे घर के जैसे हैं, घर के जैसे हैं, मिलते हैं बिल्कुल एकदम। इसके साथ ही मतलब ये बताइए डेंगू का प्रकोप चल रहा है अभी? डेंगू पर जी, डेंगू पर ही थोड़ा लापरवाही है, लापरवाही जी हाँ, डेंगू पर लापरवाही है इसलिए क्योंकि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उसका कोई ख्याल नहीं पहले से रखा जाता है। कोरोना के टाइम में आपके वार्ड पार्षद का क्या रोल था? कोरोना के टाइम में तो बहुत अच्छा था, वो कभी भी हाल चाल पूछने आते थे, कभी भी हम लोग के साथ रहते थे। असर से मदद की है अपने, असर से हमेशा मदद की जी हाँ, कभी भी मदद की है। मेरा नाम सूर्या कुमार है। सबसे पहले VSRS न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया कुछ बोलने को। ये बताइए कि आपके जो वार्ड पार्षद हैं आप वोटर हैं? हाँ वोटर है, इस साल तो जुड़े हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, पहली बार मतदान करेंगे। कैसा लगेगा आपको पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो क्या मतलब? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपके वार्ड पार्षद है सत्येंद्र कुमार, इनके बारे में जानते हैं आप? पहले कब से जानते हैं इनसे? बहुत पहले से ही, तो हमारे मोहल्ला के निवासी भी हैं, बहुत अच्छे जान पहचान है, हम लोग का घर जैसा लगाव रहता है। मतलब आप कभी इनके पास किसी काम को लेकर के गए हैं? काम के लिए तो गए हैं और मेरा कुछ काम किए भी हैं इन्होंने, काम किया इन्होंने। ये चीज़ बताइए कि जो आपकी वार्ड में जो नाली की समस्याएं हैं या नहीं, नाली सड़क जल नल ये सब कुछ भी समस्या आती है कि नाली नहीं? की तो समस्या अभी सही है, ठीक ठाक सही है, अभी सही चल रहा है, लेकिन नल जल की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। आपके इधर स्ट्रीट लाइट जलती है? जलती है, स्ट्रीट लाइट तो जलती है, जलता है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लगभग सही है ना, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास नहीं है। तो ये तो खैर वार्ड पार्षद थोड़ा सा, देखिए हम लोग अभी वाणिज्य सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग को वाणिज्य सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए हम लोग को सिवान जाना पड़ता है। अभी हम लोग के जो डिस्ट्रिक्ट में भी एक कॉलेज है तो वहाँ पर भी उतना उत्तम व्यवस्था नहीं है, और हम लोग के भी जो गोपेश्वर कॉलेज है वहाँ पर भी वाणिज्य सब्जेक्ट की व्यवस्था नहीं की गई है पढ़ने के लिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार केसरी। ये बताइए कि जो आपके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ लगभग तो सारा सुविधाएं मिल रही हैं, सिर्फ स्वास्थ्य छोड़ करके। क्या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी हमारा पूरा बिहार बहुत पिछड़ा है, और मेरा एक मुहिम है, मेरा एक सोच है कि यहाँ के हॉस्पिटल हो, यहाँ जो भी एक हॉस्पिटल है वो बंद पड़ा रहता है। यहाँ अभी डेमू से लेकर हम लोग रसी चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग को गोरखपुर जाना पड़ता है यूपी में। बिहार स्वास्थ्य में बहुत पीछे है, तो मैं यहाँ के जो भी चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर या ऊपर के जो लोग भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हुए या स्वास्थ्य सचिव हुए, मैं उन लोगों से, मेरा एक मुहिम है कि मैं इनसे ये मांग करूँ कि मीरगंज में अपना हॉस्पिटल हो जो डेंगू को लेके। आपके वार्ड पार्षद कितने एक्टिव हैं? डेंगू को लेकर के हमारे वार्ड पार्षद, सारे वार्ड पार्षद बहुत ही एक्टिव हैं, सारे वार्ड पार्षद जी, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ उन लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, जैसे पाटा मार्केट के पीछे, फिर उसके बाद से आपको रेलवे स्टेशन छठ घाट के पीछे, ये दो गो जगह है जहाँ डेंगू बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है, वहाँ लोग जा नहीं, वहाँ उतना फॉगिंग नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से जहाँ तक। आप लायंस क्लब के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं? जी जी जी। ये बताइए कि मतलब लायंस क्लब के द्वारा भी और क्या क्या किया जा रहा है? देखिए हम लोग अभी DM साहब से मिलने वाले हैं, हम लोग का मीरगंज में एक हॉस्पिटल लायंस क्लब के लिए जगह के लिए एक इकट्ठा जगह अगर मिल जाता है तो हम लोग लायंस क्लब के द्वारा एक हॉस्पिटल खोल के दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग पास जितना सामान बढ़ता जा रहा है, एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, फिर उसका ऑक्सीजन बैंक मशीन आ रहा है हम लोग पास, स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, वो सब रखने के लिए जगह का बहुत दिक्कत हो रहा है,
जो हम लोग चौबीसों घंटा सेवा में वार्ड पार्षद हैं जी जी, उनके उनका कैसा रवैया रहा है? बहुत अच्छा रवैया रहा। कभी गए हैं आप उनके साथ? कभी नहीं, हर तरह से ठीक रवैया रहा। मान लीजिए हम लोग वार्ड पार्षद के नगर में साफ सफाई हो, दो टाइम साफ सफाई हो ही रहा है, आपको जो है रोड हर गली गली लगभग बन ही चुका है। शौचालय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शौचालय बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए हमारे जहाँ तक ज्ञान में है कि शौचालय तो बनाने के लिए आवंटन हो चुका था, लेकिन जगह का कुछ कमी के चलते शौचालय नहीं बन पाया। जो वर्तमान में चेयरमैन है मोहिता कुमारी जी, चेयरमैन है जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, दो टाइम साफ सफाई करवा रही हैं, हर चीज़ अच्छा से व्यवस्था है। आगामी चुनाव में क्या मत रहेगा आप? आगामी चुनाव में जो भी चेहरा आए, मेरा एक ही वही मुद्दा है स्वास्थ्य, और बाकी मुद्दा से मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि अभी डेंगू फैला है तो कहाँ जाइएगा? तो गोरखपुर जाइएगा, आपको बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। आपको 6 नंबर वार्ड के जो भी पार्षद हैं उससे बढ़िया कोई नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने डोर टू डोर जा के व्यवस्था किया था। यहाँ जो मीरगंज नगर परिषद है, यहाँ पे जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा चलती है, ये तो वो मेरे कास्ट के हैं तो ये ऐसा है वैसा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का सर्वे से ये चीज़ आते जा रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे समाप्त होगा, और उस धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपका विचार क्या कि जाति से ऊपर उठ करके हम लोग को मत देना चाहिए, जो अच्छा है उसको चुनना चाहिए? नहीं, जाति कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग सब लोग साथ में चलते हैं। एक कास्ट के रेजिडेंस से वोट देने से कोई पार्षद या उप चेयरमैन अध्यक्ष नहीं होता है, सबका साथ होना चाहिए। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, राजीव कुमार गुप्ता। ये बताइए, आप यहाँ एक स्थानीय दुकानदार हैं, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने कितना काम किया है अपने इस वार्ड में? मतलब प्रॉपर हमारे वार्ड में ये वार्ड है, जो 6 नंबर वार्ड है, 6 नंबर उस तरफ, 11 नंबर ये इधर 11 हो गया। आपके 11 नंबर के वार्ड पार्षद जी हैं, उन्होंने आपके वार्ड में कितना कार्य किया है? देखिए, बहुत बढ़िया नहीं किए, बहुत ख़राब नहीं किए, ना उनको बहुत ग्रेड वन में जगह दिया जा सकता है और ना बहुत नीचे का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक ठाक काम किया। आपके वार्ड पार्षद का नाम क्या है? विंध्याचल प्रसाद। विंध्याचल जी, आपके वार्ड में। ये बताइए कि वो तो चेयरमैन में भी फाइट कर रहे हैं। जी जी जी, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? चेयरमैन में उनका उठना सही है, चेयरमैन के लिए? और देखिए, अभी हम एक्चुअली यहाँ पे थे नहीं, हम कल आए हैं 19 दिन के यात्रा पर, बस चार धाम के यात्रा में गए। जी जी जी, तभी हमको एक्चुअली मालूम भी नहीं कि कौन कौन उठ रहा है, नहीं उठ रहा है ना, और विंध्याचल का मालूम चला है कि शायद 3 नंबर वार्ड से वो उठ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन में उठ रहे हैं कि नहीं ये हमको अभी जानकारी नहीं। अभी जो वर्तमान के आपके वार्ड पार्षद, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? ठीक है। जनरल की व्यवस्था, रोड लाइट, नाली सब कुछ ठीक है? हाँ, नाली तो अभी हाल ही फिलहाल बना है। हाँ, हाल ही फिलहाल बना जी जी। आगामी चुनाव में फिर आप उनको, अगर वो उठते हैं तो उनको या हमारे तरफ तो उठ ही नहीं रहे ना वो? अच्छा, वोट नहीं उठ रहे हमारे, वो तो 3 नंबर में चले गए। आपकी तरफ से मतलब जो लोग उठ रहे हैं जी जी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कुछ मैसेज कि क्या होना चाहिए, मतलब आपके वार्ड में और क्या होना चाहिए? बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं या फिर और कुछ विकास होना चाहिए आपके वार्ड में? देखिए, आज के डेट में सभी लोग मतलब कि सेवा के भाव से कोई नहीं उठना चाह रहा है, हर आदमी मेवा के भाव से उठना चाह रहा है। मेरी अपने दृष्टिकोण जहाँ तक है, अधिकांशतः लोग फल के बारे में सोचते हुए राजनीति में उतर रहे हैं, सेवा करके राजनीति में नहीं उतरना चाह रहे हैं कि हम सेवा करें और उस भाव से राजनीति में उतरें जिसके वजह से कि मैंने हमारे समाज का कल्याण हो, ठीक है। और इसमें चिन्हित करना बड़ा मुश्किल है कि किसको सही कहा जाए, और उसमें कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेवार हैं। अच्छे लोग उठना नहीं चाह रहे हैं, अच्छे लोग वोट देना, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और एक अच्छा नेता हम अपने वार्ड को, अपने मीरगंज को हम दें। एक सवाल रहेगा आपसे कि जो यहाँ पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, इसमें तो सबका अधिकार है, ठीक है। पढ़े लिखे आए या ना आए, लेकिन संस्कारिक लोग आए जिससे कि हमारे समाज का कल्याण हो। बहुत पढ़े लिखे ये मायने नहीं रखता है कि सारे लोग संस्कारिक हैं, संस्कार से विकास होता है, एजुकेशन से विकास उतना नहीं होता है जितना कि एजुकेशन के साथ संस्कार हो, और सुसंस्कृत अगर इंसान हो तो फिर उसका अलग महत्व होगा। ये जो मीरगंज नगर परिषद का एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा जातिगत राजनीति चलती है। जी जी, जाति की पॉलिटिक्स होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये तो कहने के लिए है, हर जगह आज पूरे मीरगंज की बात मत कहिए, पूरे बिहार की कहिए तो वर्तमान उसी तरह की बातें हैं, लेकिन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बिखराव हुआ है। ये पूर्णतः पहले जैसा नहीं रह गया कि पहले वोट और राजनीति और जातिगत बिल्कुल एक जैसा, जो एक जात कहा तो उसमें सारे लोग गिर गए उसके भेड़ के जैसा, वैसा अब नहीं रहा। हर आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित और उसके प्रभाव से अपने वोट को डालते हैं। जो वर्तमान की चेयरमैन है मोहिता कुमारी जी, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट?
50% कितना काम करेला बने ने वार्ड में अब जितना सरकार देला उतना काम करे माने नाली के सड़क के सब करेला सब करेला हां या जब स्ट्रीट लाइट बावे पोल पर के लाइट बावे गुजर का लाइट बावे जरेला हां जरेला उनका काम सर्वा संतुष्ट बानी ठीक है बा माने मिला जुला के ठीक है बा आज फिर चुनाव आवत है 2 अक्टूबर के चुनाव आवे जनवर परिषद में केकरा के उनकरे के वोट देवे बा अब देखने के दिया कौन सी दी तो सब कोई रवन माने विचार करे मुकर के वोट दे ठीक है और नाम का पड़ी सुखी दी ये जाके जो ये के वार्ड पर नहीं जाने के हां सरिंदर रमन किने नहीं उनका यानी आए लो राहुल कोनो काम पेंशन अनुसार वो मिले लग बिजली है यानी कि जो सड़क नाली के व्यवस्था सब कुछ ठीक बावे यानी जब बिजली बाकी जो रोड पर पुल लागल था जरेला जना सब मिले जिले हम तक बात कोई शिकायत होकर आए कोई शिकायत नहीं है लेकिन वर्तमान में चेयरमैन बड़ी मोर्चा कुमार चिन्ह कहीं आए रहन चिन्ह हमारे पति आए रहन बोल बतिया उनका चिंता करवा कितना संतुष्ट बानी खुश बानी उनका पुष्पा देवी ये बताइए कि यहाँ जब वार्ड पार्षद हैं सतीन्द्र कुमार वो कैसे हैं व्यवहार कैसा है कभी इधर आते हैं देखने सुनने आते हैं समस्याएं आप कभी गई हैं समस्या बताएंगे कभी आते हैं ये बताइए कि आपके वार्ड में जो नाली की व्यवस्था कभी पानी की जाम लगना कभी सड़क की कुछ टूटी फूटी कभी व्यवस्था सब कुछ ठीक है दुरुस्त सब कुछ ठीक है अरे ये वार्ड में अभी 6 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है अभी तो लोग हम उधर बात कर लोग कहे कि नाली सड़क सब व्यवस्था कुछ क्या व्यवस्था है पहले से व्यवस्था था पहले से हाँ तब क्या नाली कौन बनाया है वार्ड पार्षद थोड़ी बनाया है हाँ, कौन बनाया अरे भाई तो विधायक कोटा का है वो तो बना हुआ है विधायक कोटे से हाँ, बना हुआ है सत्येंद्र थोड़ी बनाया है अब उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है कोई संतुष्ट नहीं है हम ही क्या पूरा मोहल्ला पूछ लीजिए क्यों इधर नहीं आते हैं क्या वो अरे भाई यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं तो छोड़िए काम मतलब हम कई बार बोले कि नाला साफ करा दीजिए 5 साल हो गए नाला बनाया अभी तक नाला साफ नहीं हुआ है हम लोग घर में पानी ठेला हुआ है जो हम लोग नज़दीक में है वहाँ पे और हमारे घर में पानी ढुक जाता है कई बार बोले कल परसों नर्सों डेंगू की बीमारी चल रही है फिर नगर परिषद में डेंगू का पूरा फैलाव पड़ा हुआ है इस पर क्या कहना चाहिए कभी आए हैं डेंगू के कभी नहीं इस पर विचार करने आए हैं हम लोग से पूछ भी नहीं आए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ छिड़का होगा कि नहीं होगा किस तरह होगा फॉगिंग नहीं होता है फॉगिंग होता है लेकिन दूसरा पार्टी करा है तो दूसरा पार्टी जो है वो करा रहे हैं फॉगिंग आगे आगे करा रहे हैं अब वो नहीं कराते अब क्या जाने वो कर अब हम तो नहीं देखे उनको अरे वो कराते तो आगे आते हैं हम लोग सराय लेते हैं कहाँ का कराना है कैसे कैसे नाला में कैसे डाला जाएगा इस बार का फिर चुनाव नज़दीक आया हुआ है अरे तो चुनाव नज़दीक जो पार्टी को हम लोग देखेंगे बढ़िया काम करने वाला होगा जो होगा उसको हम देंगे वोट अभी मीरगंज नगर परिषद में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ज़्यादातर जातिगत पॉलिटिक्स चल रहा है जातिवाद ज़्यादा चल मतलब जातिवाद हमारे मतलब पूरे यूँ तो कहिए कि पूरा पॉलिटिक्स में ही जातिवाद रहता है तो हमारे नगर परिषद में बहुत मतलब एक चीज़ है तो आपको क्या कहना चाहेंगे कि हम ये कहना चाहेंगे कि ये जातिवादी आदमी छोड़कर जो अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए और उसको ही जिताइए जो जीत रहा है उसको जिताइए बढ़िया आदमी होना चाहिए बढ़िया आदमी हाँ बढ़िया आना चाहिए जो वर्तमान की चेयरमैन है मोहिता कुमारी जी नहीं नहीं उनको नहीं बनना चाहिए ना ना उनसे हम लोग संतुष्ट है ये नहीं है ऐसा क्यों वजह है कि हम लोग कोई काम ही नहीं होता है आप जाइए कोई कंप्लेन लेकर कोई सुनवाई नहीं होता है पहले NAC में जाइए पहले पैसा दीजिए तब काम होगा पैसा दीजिए बिना पैसा का काम नहीं होता है NAC बिना पैसा काम नहीं होता है बिना पैसा कोई काम नहीं होता है अब जाइए ना एक तो जन्म पनामा पड़ना 300 रुपये दीजिए पहले उसके बाद इंटरव्यू होगा बिना पैसे का वहाँ काम बिना पैसे का काम कहीं कहीं नहीं है कोई वो कोई कोई कहीं जाए बिना पैसा काम ही नहीं है इसका शिकायत कभी आप PO साहब को अरे क्या कहेंगे सब लोग वही हैं तो हम किससे शिकायत करेंगे भाई अच्छा आपके कहने का मतलब है कि मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है सब लोग वही हैं बिना पैसा का काम आपका नहीं होगा आप कौनों बेंच पर जाइए ना बिना पैसा का काम नहीं होगा बिना पैसा का काम करेगा बोलेगा कल आइए परसों आइए नर्सों आइए तो आपके कहने का क्या मतलब भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए पूरा पूरा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और अच्छा आदमी यहाँ चेयरमैन बनना चाहिए अच्छा आदमी वार्ड कमिश्नर बनना चाहिए बस जो जो बना हुआ है हमारे वार्ड का उससे हम लोग संतुष्ट नहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम भोलू जायसवाल है भोलू जायसवाल जी हाँ। ये बताइए कि आपके वार्ड में जो वार्ड पार्षद सतेंद्र कुमार जी हैं कितना कार्य किए हैं कार्य तो लगभग जो वादा किए थे लो वो तो कर ही चुका है लो हाँ। लेकिन अभी भी कुछ है जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है जैसा अभी डेंगू का प्रकोप है पूरे मीरगंज में उत्तर मोहल्ला नहीं पूरे वार्ड में ही जितने कुल वार्ड है सारे वार्ड में अभी जाके देखिए गोरखपुर
अपर या लोअर जितने भी फैमिली है सब गोरखपुर में जाके परेशान है, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी फिर चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है वो तो होगा ही। अब जो जो वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं, हाँ हाँ, उनके संतुष्ट हैं आप? देखिए संतुष्ट तो है ही, लेकिन अभी भी बहुत लोग उठ रहे हैं इलेक्शन में, तो सबको देख मतलब विकल्प मिलेगा तो आप उनमें मतलब बदल, हाँ, सकते एक हैं, विचार बदल सकते। क्यों नहीं, क्यों अभी नहीं। जो वर्तमान में चेयरमैन मोहिता कुमारी जी, अच्छा, तो उनके बारे में क्या कहना? हाँ, उनका कार्यकाल जो भी है वो अच्छा रहा 5 साल, और उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं, पूरे पब्लिक मीरगंज की पब्लिक संतुष्ट है। अभी देखिए हो क्या रहा है ना कि बदलाव भी जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है। अभी तो देखिए वार्ड कम था, अब तो बहुत ज़्यादा वार्ड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है उसकी संख्या, और बदलाव तो होना चाहिए समय के साथ, और बदलाव होगा भी। अभी फिलहाल हम लोग वार्ड संख्या 6 जो कि वर्तमान में वार्ड संख्या 16 हो चुका है, उसके उत्तर मोहल्ला में हम लोग खड़े हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, व्यवसायी वर्ग, छात्र, युवा और जो स्थानीय निवासी, उनसे हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी जो वार्ड की जो समस्याएँ हैं क्या हैं, मूलभूत सुविधाएँ इनको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, डेंगू के समय में इनके वार्ड पार्षद द्वारा कितना कार्य किया गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ के स्थानीय दुकानदार से हम एक बार फिर से बात करेंगे। ठीक है, ठीक ठाक काम करते हैं, वो कोई बुरा काम नहीं किए हैं, अच्छा काम ही किए हैं। आपके वार्ड में कुछ मूलभूत सुविधाएं जो कमी रही हो? वार्ड में क्या कमी है, सब तो काम ठीक ही हुआ है, नाली उली बन ही गया, सब बन गया। स्वास्थ्य को लेकर कभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा? हाँ, उसमें काम कमी है, थोड़ा सा होना चाहिए, उसमें बेहतर काम नहीं हुआ है, उसमें बेहतर काम नहीं हुआ है। जो वर्तमान के चेयरमैन है मोहिता कुमारी, उनके भी कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? वो भी ठीक है, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया, ठीक काम की है। चलिए, मतलब रेटिंग कितना देना चाहेंगे, 10 में से कितना रेटिंग देंगे उनके कार्यकाल में? 50% 50% वार्ड पार्षद विंध्याचल जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? ठीक है, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो कोई नहीं है, लेकिन ठीक है किए हैं। संतुष्ट उतना नहीं है आप? हाँ। मतलब मौका मिलेगा अगर, मतलब ऑप्शन आता है तो आप मतलब बदलाव भी कर सकते हैं? हो सकता है। हम लोगों ने जब यहाँ वार्ड संख्या 6 की जानकारी ली जो कि वर्तमान में 16 वो क्या कह रहा है, जो यहाँ युवा है, छात्र है, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग, महिला वोटर हैं, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ कमियाँ रही हैं, कुछ सुधार होना बाकी है। इसके साथ जब हम लोग चेयरमैन के बारे में भी सर्वे किया तो लोगों का कहना है कि हम संतुष्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं संतुष्ट नहीं है, बाकी वो तो इलेक्शन बताएगा। इन लोगों का मीरगंज